मैं गुरजीत सिंह, आज हम बात करेंगे एयर इनटेक एंड एग्जॉस्ट सिस्टम के बारे में कि इंजन में जब इंजन स्टार्ट होता है तो हवा कैसे अंदर आती है, कंप्रेशन स्ट्रोक कैसे आता है, पावर कैसे बनती है और एग्जॉस्ट कैसे होता है। आपको पता है कि एक इंजन के अंदर मेनली पांच सिस्टम काम करते हैं। पहला जो हमारा रहता है एयर इनटेक एंड एग्जॉस्ट सिस्टम, दूसरा हमारा रहता है फ्यूल सप्लाई सिस्टम, तीसरा हमारा रहता है लुब्रिकेशन सिस्टम, चौथा हमारा रहता है कूलिंग सिस्टम और पांचवा जो हमारा रहता है वो है गवर्निंग सिस्टम, जो इंजन के आरपीएम को कंट्रोल करता है अकॉर्डिंग टू द लोड। तो आज हम पहले सिस्टम के बारे में बात करेंगे जो है एयर इनटेक एंड एग्जॉस्ट सिस्टम, हवा कैसे अंदर आती है, कैसे चलती है। तो इसमें एयर इनटेक एंड एग्जॉस्ट सिस्टम में मेनली चार स्ट्रोक काम करती हैं। पहली हमारी होती है स्ट्रोक जो है उसको हम बोलते हैं सक्शन स्ट्रोक, दूसरी कंप्रेशन स्ट्रोक, तीसरी पावर स्ट्रोक एंड फोर्थ इज एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो पहले हम बात करेंगे सक्शन स्ट्रोक के बारे में। सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन की मूवमेंट रहती है टीडीसी से बीडीसी। टीडीसी बीडीसी क्या है? टीडीसी हम बोलते हैं टॉप डेड सेंटर। टॉप डेड सेंटर मतलब जैसे अभी आप देखिए कि ये पिस्टन बिल्कुल टॉप पे है, इसके जो लिमिट है पिस्टन भी इससे ऊपर नहीं जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं टीडीसी, टॉप डेड सेंटर। ऐसे ही पिस्टन जब बॉटम में जाता है, नीचे जाता है, तो वो भी एक लिमिट है, उससे वो नीचे नहीं जा सकता है। तो वो जो पॉइंट है, जो लाइन है, तो उसको हम बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर, बीडीसी। ठीक है जी, टीडीसी बीडीसी का अपना क्लियर हो गया। तो अभी हम देखते हैं सक्शन स्ट्रोक कैसे काम करती है। तो सबसे पहले सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन की जो मूवमेंट रहती है वो रहती है टीडीसी से बीडीसी, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर। तो ये देखिए पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ जा रहा है। तो इस कंडीशन में दूसरा वर्क क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखोगे इनलेट वाल्व ओपन हो रहा है, इनलेट वाल्व ओपन है। तो इससे क्या हो रहा है, फ्रेश एयर एयर क्लीनर से होके फ्रेश एयर जो है इनलेट वाल्व के थ्रू इसके अंदर इंटर करती है। ये आप देख लें पूरा, ये हमारा एयर क्लीनर है ड्राई टाइप। एयर क्लीनर क्यों लगाते हैं, ताकि जो हवा के अंदर धूल मिट्टी कचरा वगैरह जो भी स्ट्रा पार्टिकल हैं वो पूरा सिर्फ इसके अंदर रह जाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से एयर इनलेट मैनिफोल्ड से होती हुई आगे कहाँ जाएगी, इनलेट वाल्व के पास जाएगी और इनलेट वाल्व के थ्रू वो पिस्टन के ऊपर आ जाएगी, सिलेंडर लाइनर के अंदर आ जाएगी। क्योंकि अंदर की इंटरव्यू करती है, जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी जाता है तो सिलेंडर लाइनर के अंदर सक्शन जूस पैदा होती है। जैसे हम जूस पीते हैं ना पाइप लगा के, तो हम जैसे ही हवा को अंदर खींचते जूस पाइप में चढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी जा रहा है तो इसके अंदर सक्शन पैदा होती है, उधर से इनलेट वाल्व भी खुल जाता है, तो इसलिए हवा इंटर करना स्टार्ट कर देती है। तो ये हमारी ये पहली स्ट्रोक है, ये है सक्शन स्ट्रोक, इसमें हवा पूरी इंटर हो चुकी है, ठीक है जी। अब देखिए ये इनलेट वाल्व कैसे खुला है, तो इसका भी थोड़ा अपन देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये है हमारा क्रैंक गियर जो क्रैंक शाफ्ट के ऊपर माउंट है, और ये है हमारा केम गियर, केम शाफ्ट के ऊपर ये माउंट है। केम गियर क्या, केम शाफ्ट क्या काम करती है, केम शाफ्ट काम करती है इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन करने का काम करती है। वो कैसे करती है, यहाँ से देखिए, जब मैं फ्लाईव्हील की मूवमेंट कर रहा हूँ तो आगे सामने अगर आपको देख रहा हो तो एक शाफ्ट घूमती हुई दिख रही हुई है, ठीक है। और उसके ऊपर यहाँ पे देखिए, इसको हम बोलते हैं टैपेट, ये भी अप डाउन हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि केम शाफ्ट के अंदर वहाँ पे केम लोब बनी हुई है, वो केम लोब इसको उठाती है अकॉर्डिंग टू द टाइम। उसके ऊपर दूसरा पार्ट कौन सा, ये है पुश रॉड। अगर टैपेट ऊपर जाएगी तो पुश रॉड भी ऊपर उठेगा, पुश रॉड ऊपर उठेगा तो इधर से देखिए यहाँ पे क्या लगा है, ये रॉकर आर्म लगा हुआ है, तो रॉकर आर्म उठ रहा है। रॉकर आर्म एक साइड से, जैसे हमारा तुला होता है ना, बैलेंसिंग वेट होता है, उसको हम एक साइड ऊपर जाएगा तो दूसरा साइड डाउनवर्ड जाएगा, नीचे जाएगा। लेकिन उधर क्या लगा हुआ है, उसके दूसरी टिप के नीचे क्या लगा हुआ है, हमारा इनलेट वाल लगा हुआ है। तो जैसे ही वो इनलेट इधर से ये एंड ऊपर जाएगा तो दूसरा एंड हमारा डाउनवर्ड जाएगा, तो उससे वो क्या करता है, इनलेट वाल्व को ओपन करता है। ऐसे ही इनलेट काम करता है, ऐसे ही एग्जॉस्ट वाल्व काम करता है, ठीक है जी।
तो इसीलिए जैसे हम फ्लाईव्हील का मूवमेंट करते हैं, फ्लाईव्हील क्रैंकशाफ्ट का माउंट है तो क्रैंकशाफ्ट मूवमेंट हो रही है, क्रैंकशाफ्ट मूवमेंट हो रही होगी तो इधर से क्रैंक गियर मूवमेंट होगा, क्रैंक गियर मूवमेंट होगा तो किससे जुड़ा हुआ, कैमशाफ्ट से जुड़ा हुआ है, कैमशाफ्ट से जुड़ा हुआ है तो कैमशाफ्ट घूमेगी, कैमशाफ्ट के घूमने से टैपेट ऊपर नीचे होगी, टैपेट ऊपर नीचे होने से आपने देखा कि पुश रॉड, रॉकर आर्म और फिर वाल्व मूवमेंट हो रहा है। तो इस तरीके से हम इसको मतलब बोला जाता है मेनली वाल्व ऑपरेटिंग मैकेनिज्म, जो कैमशाफ्ट से लेके वाल्व टिप फेस तक जो आता है, ओपन होता है क्लोज होता है, उसको हम बोलते हैं वाल्व ऑपरेटिंग मैकेनिज्म। तो पहले हमने देख लिया कि सक्शन स्ट्रोक के अंदर इनलेट वाल्व ओपन हो रहा है, ठीक है जी। तो ये हमारा पिस्टन चला गया बिल्कुल डाउन में, मतलब बीडीसी पे चला गया, तो यहाँ पे भी आप देखिए इनलेट वाल्व क्लोज हो गया है, ठीक है जी। अभी हमारी नेक्स्ट स्ट्रोक चालू होगी, उसको हम बोलते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक के अंदर क्या होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक के अंदर जो यहाँ पे एयर इंटर हुई है उसको कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस कैसे होगा देखिए, अभी आप अभी जब पिस्टन कहाँ जा रहा है, दोबारा से टीडीसी पे जा रहा है, तो जितनी यहाँ पे एयर जो सक्शन स्ट्रोक में एयर आई थी उसको वो कंप्रेस करता हुआ जा रहा है, कंप्रेस करता हुआ जा रहा है, जब ये बिल्कुल टॉप पे चला जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल टॉप पे जाने पे के ऊपर एयर बहुत कंप्रेस हो जाती है। कंप्रेस होने से क्या होता है, एयर का प्रेशर बढ़ता है, ये लगभग 30 केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर से 45 केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर का प्रेशर इसके ऊपर, पिस्टन के ऊपर दबाव पड़ता है, और यहीं पे कंप्रेस होने के कारण इसका ताप बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर कितना हो जाता है, ये लगभग 650 डिग्री से लेके 650 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका चला जाता है। तो जब पिस्टन बिल्कुल टॉप पे रहता है, पहुंचने वाला रहता है, तब बिफोर टीडीसी लगभग, जो इस इंजन का डाटा है इसमें लगभग 27 डिग्री बिफोर टीडीसी इंजेक्टर के द्वारा फ्यूल का स्प्रे किया जाता है। स्प्रे कैसे होता है, बिल्कुल फॉग की शक्ल में, जैसे धुआं होता ना सर्दी के अंदर, कोहरा होता है बिल्कुल ऐसे। तो क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, कंप्रेशन स्ट्रोक में हमने हवा को दबा लिया, हवा को दबाने से टेम्परेचर मेंटेन हो गया लगभग 650 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड का, तो उस टेम्परेचर के ऊपर क्या हो रहा है, इंजेक्टर क्या कर रही है, फ्यूल का बिल्कुल फॉग की शक्ल में स्प्रे करती है, ठीक है जी। स्प्रे करने से क्या होगा, फिर वहाँ पे ब्लास्ट होता है, मतलब फ्यूल को आग लग जाती है। जब आग लगती है तो आग लगने से क्या होता है, गैसेज एक्सपेंड होती है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और भी आपने देखा होगा कि कंप्रेशन स्ट्रोक के अंदर दोनों वाल इनलेट और एग्जास्ट वाल दोनों क्या रहते हैं, बंद रहते हैं, इसीलिए यहाँ से कंप्रेशन स्ट्रोक में एयर बाहर नहीं जा सकती, इसीलिए इसके अंदर एयर कंप्रेस होती है, ठीक है जी। तो इसमें जब एयर कंप्रेस होगी है, फ्यूल इंजेक्टर के द्वारा स्प्रे कर दिया गया है, तो ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होने के बाद भी नेक्स्ट जो स्ट्रोक हमारी चालू हो जाती है उसको हम बोलते हैं पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक में क्या होता है, जब यहाँ पिस्टन के ऊपर ब्लास्ट हुआ तो गैसें एक्सपेंड होना चाहती हैं, एक्सपेंड होना चालू हो जाती हैं, लेकिन इनलेट और एग्जास्ट वाल्व दोनों बंद रहते हैं तो गैसें बाहर नहीं जा सकती हैं। तो इस कारण क्या करती हैं, वो पिस्टन को हिट करती हैं। पिस्टन हिट करने से क्या होगा, वो पिस्टन मूवमेंट करता है और बीडीसी की साइड सेट चलता है। यहाँ पे पिस्टन का एक पार्ट आपको दिखाते हैं, ये सामने, इसको हम बोलते हैं कंबस्शन चैम्बर। यहाँ पे पूरा आग लगती है, ठीक है जी। तो इसलिए पिस्टन को हिट करके नीचे जाएगा तो पिस्टन जाएगा हमारा बीडीसी पे। तो इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्ट्रोक आ जाएगी, वो हमारी आ जाती है एग्जास्ट स्ट्रोक। एग्जास्ट स्ट्रोक में क्या है, एग्जास्ट स्ट्रोक में जितनी गैसें जल के धुआं बन गया है तो उसको एग्जास्ट वाल्व के थ्रू उनको बाहर निकाल दिया जाता है। तो जैसे अब एग्जास्ट स्ट्रोक में पिस्टन की मूवमेंट क्या रहेगी, पिस्टन मूवमेंट रहती है बीडीसी टू टीडीसी, और पिस्टन क्या कर रहा है अभी, इधर देखिए एग्जास्ट वाल्व ओपन हो गया है। पहले ये देखिए थोड़ा पीछे करके आप दिखाते हैं, ये एग्जास्ट वाल्व क्लोज था, लेकिन जैसे ही स्ट्रोक कंप्लीट होती है तो एग्जास्ट वाल्व ओपन हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जितना यहाँ पे धुआं रहता है पिस्टन उनको धकेल करके पूरा एग्जास्ट वाल्व के थ्रू बाहर निकाल देता है। तो आगे कहाँ जाएगा धुआं, वो यहाँ पे लगा हुआ है साइलेंसर। साइलेंसर दो काम करता है मेनली, एक तो जो साउंड आता है साउंड को बिल्कुल साइलेंस करने का काम करता है, और दूसरा क्या करता है,
कई बार क्या होता है कि इंजन के अंदर से चिंगारी आती है। अगर आप कभी अंधेरे में इंजन चलाओगे तो आपको थोड़ा ये चीज़ें बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाती हैं कि जब एग्जॉस्ट गैस से बाहर आते हैं तो उसके साथ कार्बन के कण आते हैं, वो बिल्कुल लाल लाल रहते हैं, मतलब जले हुए बिल्कुल हीट रहते हैं, लाल रहते हैं, तो उनको वो शांत करने का काम भी करता है। अगर सीधे कण बाहर जाएंगे, अगर मान लो ये इंजन कहीं ऐसी एरिया में लगा हुआ है जहाँ पे कोई क्रॉप बिल्कुल पकी हुई है, ड्राई है बिल्कुल, है ना, हार्वेस्टिंग का टाइम है, तो ऐसे अगर चिंगारी बाहर जाएगी तो पूरा पूरा क्रॉप को जलने का खतरा रहता है। तो इसीलिए साइलेंसर दो काम करता है, साउंड को साइलेंस भी कर रहा है और दूसरा जो इंजन के अंदर से कार्बन के कण जो जले हुए लाल कण आ रहे हैं उनको शांत करने का भी काम करता है। तो ये हमारा था एयर इनटेक एंड एग्जॉस्ट सिस्टम। अगर हम इसमें थोड़ा आगे चलेंगे दोबारा से, क्योंकि देखिए एग्जॉस्ट कंप्लीट हो गया है, अगर आगे चलोगे तो दोबारा से फिर क्या हो रहा है, इनलेट वाल्व ओपन हो रहा है, ठीक है ना जी, दोबारा से इनलेट वाल्व ओपन हो रहा है। मतलब ये एक साइकिल है, सक्शन कंप्रेशन पावर एग्जॉस्ट, सक्शन कंप्रेशन पावर एग्जॉस्ट, जब तक ये साइकिल कंप्लीट चलता रहेगा तब तक ये इंजन स्टार्ट रहेगा। अगर आप इस साइकिल के अंदर कोई भी चीज़ आपने बंद कर दिया है ना, मेनली जैसे एयर है, अगर आप एयर का एंट्रेंस बंद कर दो तब भी इंजन बंद हो जाएगा। दूसरा, अगर आपने जो फ्यूल है जो पावर पैदा कर रहा है उसको भी अगर आपने बंद कर दिया तब भी इंजन बंद हो जाता है। मेनली हम ज़्यादातर जैसे इंजन को बंद करने के लिए फ्यूल को कट ऑफ करते हैं, फ्यूल को बंद कर दिया जाता है। फ्यूल नहीं आएगा तो क्या होगा, इंजन कुछ समय के लिए घूमने के बाद दोबारा से वो बंद हो जाता है। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद। मेरी बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे हैं, आप देखते रहिए, मेरे साथ रहिए। आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार।